दोस्तों, मेरा नाम है अखिल रॉय और आपका एक बार फिर से स्वागत है बीएचयू पाठशाला में। हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं और आपको इस बात का भी इल्म करा रहे हैं कि आज जो है, आज सेकंड लेक्चर चल जाने वाली है हिस्ट्री की। पहली जो लेक्चर जो हमने आपको प्रोवाइड किया था सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वो अब तक 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। 100 घंटे पूरे होना है, एक माइलस्टोन कह सकते हैं, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि 100 घंटे पूरे हुए, इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं और हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर, लॉयल सब्सक्राइबर हैं जो हमारे वीडियोज को बड़े शिद्दत से देखते हैं। ठीक है, तो ये शिद्दत बना के रखिए और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो आप ही हैं जो हमें हर बार मोटिवेट करते हैं कि हम अपने लेवल बेस्ट, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, हर चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, शिद्दत कम नहीं होना चाहिए। वैसे आज की जो वीडियो है वो हम हिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर पे बात करेंगे। हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर मैंने लिखा है स्टोन इज पाषाण का। ठीक है, स्टोन इस पर आज हम बात करेंगे, पर इससे पहले मैं स्टोन इसको शुरुआत करूं, इससे पहले मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट से आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। देखिए, स्टोन एज ये हिस्ट्री है ना, तो पहले हमें ये जानना है कि अगर हिस्ट्री होता क्या, राइट। तो हिस्ट्री जो पास्ट की चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री को क्या किया कि इतिहासकारों ने हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा। ठीक है, एक प्राचीन, मेडिवल और फिर उसके बाद आधुनिक। ठीक है, तो क्या है जो स्टोन एज है ना, स्टोन एज को एंसिएंट हिस्ट्री में रखा गया। ठीक है, और ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इसको पढ़े हम ये जान नहीं पाते कि जो मनुष्य था, मनुष्य जब वो एक बंजारा हुआ करता था और जब वो बंजारा होने के बाद जब वो खेती बाड़ी करना शुरू किया, तो उसके बीच का जो प्रोसेस है यानी डेवलपमेंट, मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं कि मनुष्य का एक डेवलपमेंट कैसे हुआ फ्रॉम अ इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इस बारे में पढ़ने के लिए हमें स्टोन एज की बहुत जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो स्टोन एज के बारे में मैं बहुत सारे फैक्ट्स लेके आया हूं जो आपको, जाहिर सी बात है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। देखिए मैं क्या है कि देखिए साहब क्या है कि स्टोन एज का जो फंडा है ना, स्टोन एज आमतौर पे स्टूडेंट के लिए बहुत बोरिंग है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने सर्वे किया, मैंने बहुत सारे बच्चों को, इवन आई जब मैं आपकी उम्र का था और जब मैं पहली बार स्टोन एज को पढ़ रहा था, जब मुझे एक टेक्निक नहीं मालूम था कि एक किसी भी सिलेबस को या किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, तो ये बहुत बोर लगता था। देखिए, बोर होने का रीजन क्या है, बोर होने का रीजन ये है कि हम किसी चीज को सीरीज वाइज नहीं पढ़ पाते। ठीक है, हमने कभी कुछ चीजें यहां से उठा ली, कुछ चीजें यहां से उठा ली, कुछ चीज यहां से उठा ली, जिससे होता क्या है ना कि हमारे पास नॉलेज तो आ जाती है पर उनको फिक्स कैसे करना है ये हमें पता नहीं होता, जिससे हमें बोरियत महसूस होने लगती है। क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसी नॉलेज को हम स्टोर करते हैं तो क्या होता है, जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं या फिर हम क्या करते, कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट नहीं करा पाते, तो ये कनेक्ट नहीं कराना यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि बोरियत महसूस होती है। आज की वीडियो में हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम चीजों को सीरीज वाइज ले जाएंगे, एक दूसरे से चीजों को रिलेट कराएंगे, जिससे आपको ना सिर्फ ना बोरियत महसूस हो, एक कहानी की तरह आपको ऐसा लगे कि हाँ, स्टोन एज महज एक कहानी है जिसमें आप जानेंगे कि मनुष्य जो बंजारा हुआ करता था वहां से चल करके वो खेती बाड़ी की तरफ कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले दूंगा। हाँ, एक और चीज, आई एम सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, पर एक और चीज जो आपसे इल्तिजा है वो ये है कि अगर आपको सेक्शन पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखें, आपको अगर शेयर नहीं करना तो प्लीज मत करिए। ठीक है, पर आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट तो, सॉरी लाइक करें और शेयर तो आपने वैसे भी नहीं करना अगर आप नहीं करना चाहें तो लाइक करें, कमेंट करें। ये चीजें हमारे लिए एक कह सकते हैं कि एक बाण की तरह काम करती है, पेनिसिया जिसे हम कहते हैं, पेनिसिया की तरह काम करती है। खैर, चलिए मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम सीधे सीधे आते हैं स्टोन एज पे। स्टोन एज क्या है, एक काल है जिसको जिसके जिसके पढ़ने के बाद हम ये जान पाते हैं कि मनुष्य का प्रारंभिक इतिहास कैसा था। हो गया भाई साहब, अब देखिए क्या है कि इतिहासकार जो लोग होते हैं, ठीक है, इतिहास को जानने के तीन चार स्रोत हैं। एक तो पहला वो लिटरेरी सोर्सेस पे बात करते हैं, यानी क्या है, साहित्यिक स्रोत यानी कोई किताब। दूसरा एक्सकैवेटरी सोर्सेस यानी खुदाई कराते हैं और खुदाई से उन्हें जो चीजें भी मिलती हैं तो वो उसकी मदद से वो इतिहास की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। ठीक है, और एक तीसरा जो है, जो हम कहते हैं कि वॉयसेस, यात्रा वृत्तांत, किसी भी लेखक का यात्रा वृत्तांत से भी हम इसे जानते हैं। खैर,
हम स्कूलिस्ट की जब बात करते हैं तो दो की पॉसिबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। एक तो पहला साहित्यिक सूत्र, क्योंकि लोगों को पढ़ना नहीं आता था तो साहित्यिक सूत्र का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दूसरा, उस समय लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था तो यात्रा वृत्तांत हो ही नहीं सकता, यात्रा वृत्तांत में भी कुछ लिखना ही होता है तो वो हो ही नहीं सकता। जो तीसरी चीज थी एक्सकैविटी सोर्सेज, जिसे हम कहते हैं कि उत्खनन। तो स्टोन एज को पता करने के लिए हमने कुछ चीजें ढूंढी, खुदाई की हमने अलग अलग जगहों पे, हमें मिला मेटल्स, मतलब कोई धातु, पॉटरी अगर मैं बात कर रहा हूं, पॉटरी मतलब बर्तन मिले, टूल्स मिले, औजार, बोन्स हड्डियां मिली है, उसके बाद स्टोन्स का मतलब हमें पत्थर मिले। ठीक है, हम बात भी कर रहे हैं स्टोन एज यानी पाषाण काल की, तो स्टोन मिलना स्वाभाविक ही है। ठीक है, अच्छा, इन सभी चीजों को जाना, इन सभी चीजों को खोजा, और फिर हमने दो तकनीक अपनाए। आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या है, किसी भी वस्तु का उसका उम्र निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं, दो तकनीक अपनाते हैं जिससे ये पता करते हैं कि इसकी आखिर उम्र क्या है। एक तो पहला है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि कार्बन 14 का यूज होता है, और इससे हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु का उम्र कितना है ये निर्धारण कर पाते हैं। दूसरा जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जैसे हम वलय परीक्षण करते हैं, मैं आपको समझाऊं वलय परीक्षण होता क्या है। आपने पेड़ देखा है, पेड़ को काट दीजिए, ठीक है, आपने देखा होगा आपके आसपास में बहुत सारे पेड़ होंगे, उसको काट दीजिए, जब धड़ काटेंगे ना तो आप देखेंगे कि उस धड़ के किनारे वाले सिरे में आपको ऐसे आपको शेप्स दिखेंगे। ये जो रिंग है ना, ये रिंग को गिन करके आप ये पता कर सकते हैं कि उसकी उम्र क्या है। तो जब पेड़ पौधे में मिलते हैं उसकी उम्र को ज्ञात करने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जैसे वलय परीक्षण कहते हैं, इतिहासकार ऐसे करते हैं। ये बातें मैंने आपको बता दी, कि आखिर इसके सोर्सेस क्या है, तकनीक क्या है। अब हम बात करते हैं कि इस स्टोन एज को क्या किया, कि स्टोन एज छोटा नहीं है, स्टोन एज एक बहुत बड़ा काल है। इस स्टोन एज को क्या किया कि मनुष्य के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि तीन भागों में बांटा। एक तो पैलियोलिथिक एज, ठीक है, जिसे हमने कहा पूरा पाषाण का, ठीक है जी, पूरा पाषाण का। दूसरा जो था मिसोलिथिक एज, तीन भागों में हमने बांटा है। यह है मध्य पाषाण काल। अगर मेरी राइटिंग हिंदी में बहुत गंदी आ रही हो तो फिर भी मैं अगर बोल रहा हूं तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। और ये जो है नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। ठीक है साहब, तो ये स्टोन एज को हमने तीन भागों में बांट दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बारी बारी से, हम पहले पैलियोलिथिक के बाद बात करेंगे, फिर उसके बाद मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। पैलियोलिथिक के बारे में आपको बताता हूं कि ये जो इसका काल जो है ना, पहली चीज कि 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट से पहले का जो भी काल है उसे हम स्टोन एज के पैलियोलिथिक एज में रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, कुछ कॉन्टेक्स्ट में समझा देता हूं। पैलियोलिथिक एज में मनुष्य को क्या था कि आग मालूम था, उन्हें यह मालूम था कि आग कोई चीज है, कोई बला है, पर उन्हें यह नहीं मालूम था कि उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो पहला नोट में आप तो यही लिख सकते हैं कि फायर, यानी कि छोड़िए मैं ऐसे लिख देता हूं, आग मालूम था पर प्रयोग से वंचित है ना। तो पैलियोलिथिक के बारे में नोट में ये चीजें आप रख लीजिए, से आप इसे नोट भी कर सकते हैं, है ना। अभी मैं क्या करूंगा कि पैलियोलिथिक एज को भी हमने तीन भागों में बांटा है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। पैलियोलिथिक एज एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि इसमें मनुष्य डेवलपमेंट की ओर बढ़ता जा रहा है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको भी हमने तीन भागों में बांटा, हालांकि मेसोलिथिक और नियोलिथिक जो है उसको हमने नहीं बांटा, तो पैलियोलिथिक को तीन भागों में बांटा। मैं आपको बताता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पूरा पाषाण काल। सर थोड़ा हिंदी लैंग्वेज यूज कीजिए। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक के पूरा पाषाण काल को भी हमने तीन भागों में बांट दिया साहब। ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं। ठीक है, तीन खंडा मैंने बना दिया। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो है लोअर यानी निम्न
निम्न पूरा पाषाण का तीन भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण का, मध्य पूरा पाषाण का और उच्च पूरा पाषाण का। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं। और ये है उच्च पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण का। ठीक है, अब मैं निम्न पूरा पाषाण का के बारे में बात करता हूं। इस समय निम्न पूरा पाषाण के बारे में बात करूंगा। देखिए, पहला जो पॉइंट ये है कि मनुष्य जो था इस समय हंटर गैदरर था। हंटर गैदरर मतलब कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि वो भोजन की तलाश में घूमता रहता था। जहां उसे भोजन मिलती थी वो वहां पहुंच जाता था, जब वहां की चीजें खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे जगह जाता था। इसके अलावा मनुष्य पहले क्या था, शिकारी भी हुआ करता था, तो जानवरों की खोज में जानवर जहां जहां जाता था ये वहां वहां जाता था। तो पहला तो चीज यही है कि मनुष्य क्या था, हंटर गैदरर था। हंटर गैदरर यानी शिकार की खोज में इधर उधर भटकते रहता था। सिंपल से शब्दों में आप ये समझिए कि बन जा रहा था। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको जानना है, इस निम्न पूरा पाषाण काल में दो संस्कृतियों का उद्भव देखने को मिलता है। एक तो पहला है चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग जो है, ये चॉपर चॉपिंग सोन घाटी, सोन नदी के किनारे इसको उद्भव हुआ है। सोन कहां है, ये सोन जो है नॉर्थ वेस्ट, जैसे हम ये बात करते हैं कि इसमें ये भारत का, अगर ये नक्शा अगर ऐसे बने तो ये भारत, ये यहां इस वाले हिस्से में सोन नदी है। ठीक है, तो ये सोन नदी यहां है, इसलिए चूंकि ये सोन नदी के किनारे है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सोन संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे हम सोन संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप ये जान रखिए कि चॉपर चॉपिंग जो संस्कृति आई थी उसे सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। चॉपर चॉपिंग की खास बात क्या है, इस समय क्या था कि मनुष्य क्या था कि लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर के पत्थरों का यूज कर रहा था, जिसे नाम दिया लोगों ने क्वार्टजाइट। क्या ये क्या दिया, क्वार्टजाइट, इंग्लिश में लिख देता हूं क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। ठीक है, ये चॉपर चॉपिंग की व्यवस्था बात हो गई। अब जो दूसरी चीज है ना, जो दूसरे संस्कृति की बात करो वो है हैंडएक्स, हैंडएक्स संस्कृति, हैंडएक्स संस्कृति, हैंडएक्स संस्कृति, संस्कृति जो है ये हमें कहां मिली, ये हमें मिली तमिलनाडु, अतिरम पक्कम एक जगह है वहां ये मिली हमें, अतिरम पक्का में एक जगह है वहां हमें हैंडेक संस्कृति मिली। इस संस्कृति के बारे में ये मैं बताऊं कि इस समय क्या था कि फलक, पत्थरों को तोड़ लिया जाता था, चौड़े फलकों का यूज हो रहा था। ठीक है, ये आपको हैंडेक से याद रखनी है। इसके अलावा हमें क्या है कि हमें भीम बेटका से, भीम बेटका से हमें पेंटिंग्स भी मिली है। भीमबेटका कहां है, ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका क्या है, एक गुफा है, गुफा के अंदर पेंटिंग मिली हुई है। और वो पेंटिंग्स को जब हमने चयन किया इसके हिसाब से तो हमें पता चला कि ये 10,000 ईस्वी पूर्व की है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये निम्न पूरा पाषाण काल की ही है। अबाउट 600 से ज्यादा पेंटिंग मिली है भीम, हाँ, और 600 से ज्यादा भीमबेटका में हमें पेंटिंग्स मिलेंगी, मैं यहां लिख देता हूं। और इस पेंटिंग से पता चलता है कि निम्न पाषाण काल का जो, मतलब इस पेंटिंगों से पता चलता है कि निम्न पाषाण काल इस टाइम पीरियड में हुआ करता था। ये इस पेंटिंग से पता चलता है। अब हम बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। देखें, पहली चीज ये कि हंटर गैदरर था, खाने की खोज में बढ़ रहा था, यहां भी वही चीजें हैं, हंटर गैदरर ही था, अभी भी क्या है, हंटर गैदरर ही है, मनुष्य अभी भी भटक रहा है। ठीक है, संस्कृतियों का वैसे विकास तो यहां नहीं हुआ है, लेकिन जो ये पत्थरों का यूज हो रहा है, इस पत्थरों को क्या किया गया है कि अब पत्थरों को थोड़ा सा नुकीला बनाया जा रहा है। ठीक है, इन पत्थरों को नुकीला बनाया जा रहा है। जो अगला जो पत्थर यूज हुआ वो फ्लेक है। ये फ्लेक क्या है, ये फ्लेक कुछ इस तरह का पत्थर था जो जैसे आजकल के जीवन में जब हम देखते हैं, जैसे आपने वो छेनी सुना है, छेनी, बेदनी, खुरचनी। ठीक है, ये फ्लेक कुछ ऐसे ही था,
तो इससे ये पता चलता है कि मध्य पूरा पाषाण काल में लोगों ने ऐसे पत्थरों का यूज किया जो नुकीले होते थे, राइट, हंटर गैदरर था। फिर उसके बाद हमें इसके पेंटिंग्स भी मिली हुई है, हमें पेंटिंग मिली। ये फ्लेक कहां से मिला है? निवासा नाम का एक जगह है, ठीक है, जो नर्मदा घाटी के नीचे, नर्मदा घाटी पे बसा है, नर्मदा घाटी। तो हमें ये, हमें मध्यपुरा पाषाण काल में हमें ये चीजें मिलती है। मैं यहां लिख देता हूं कि बेदनी, खुरचनी, ठीक है, औजार का नाम है क्या? ये औजार है, ठीक है। मनुष्य क्या कर रहा था कि चीजों को खोदने के लिए नुकीला हथियार बना रहा था, और वो पत्थर कई होते थे, बेदनी, खुरचनी, ठीक है। तो ये चीज है, कह सकते हैं कि प्रिक्ड, जो इंग्लिश समझ रहे हैं, प्रिक्ड स्टोन्स यूज किए जा रहे थे। प्रिक्ड का मतलब होता है नुकीला, एक ऐसा स्टोन जो नुकीला हो, ठीक है। ये मध्य पूर्व पाषाण काल में आपको समझ आ रही होगी, अंडर गैदर था, पत्थर क्वार्टजाइट यूज हो रहा था, इसमें फ्लेक हो गया, पेंटिंग भी मिली है, नर्मदा घाटी पे निवासा है, ठीक है। और यहां मैंने बताया ना कि वो उस समय फलक ही तोड़ दिया जाता था, यहां क्या है, यहां पे आपको नुकीला मिल रहा है। उच्च पूरा पाषाण काल में क्या है कि पहली बार एक कह सकते हैं कि होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का उदय, यानी पहली बार इतिहास में यह देखा जाता है कि मनुष्य का उदय हो रहा है, ठीक है। एक नाम दिया जा रहा है होमोसेपियंस, मध्य पूरा पाषाण में उसका अलग नाम था, लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल में उसे होमोसेपियंस कहा गया है, ठीक है। ये पहली चीज। औजार की बात करें तो औजार में अब एक और चीज हुई है कि औजार क्या था, पहले नुकीला था, पहले वो फलक था, अब ये नुकीला, अब क्या है कि अब क्या कि इसको ब्लेड बना दिया गया, ठीक है, धार, दोनों तरफ से धार, जैसा ब्लेड है ना, ब्लेड के दोनों तरफ धार होते हैं, ठीक उसी तरह यहां भी ब्लेड कर दिया गया है। और एक और नए चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम कहते हैं कि चकमक उद्योग। ये क्या है चकमक उद्योग? एक ऐसा उद्योग, कोई ये मत समझे कि कोई एक फैक्ट्री नहीं थी। क्या हो रहा था कि इस बार अब क्या किया जा रहा था कि पत्थरों को पॉलिश किया जाने लगा था, ठीक है, पॉलिश किया जाता है, चकमक, किसी चीज को चकमक करना मतलब क्या, उसको चमकाना, ठीक है, चमकाना, इन द सेंस ब्लेड, इसका मतलब ये है कि उस चीजों को धार बनाया जा रहा था। ये ब्लेड का जो टूल है इसका हमें साक्ष्य कहां से मिला? एक जगह है अलाहाबाद में लोहदा नाला, लोहदा नाला कहां है? अलाहाबाद में हमें ब्लेड के साक्ष्य मिले हुए हैं। हाँ, एक और चीज लोहदा नाला से मैं आपको बताऊं कि लोहदा नाला में एक देवी की मूर्ति भी मिली हुई है। देवी की मूर्ति मिली है, इसका मतलब यह है कि उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते मनुष्यों में एक अध्यात्म अंदर समाहित हो रहा था, वो पूजा पाठ करना शुरू कर रहे थे। इससे ये पता चल रहा है कि धर्म की शुरुआत क्या है? शुरू हो चुकी है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धर्म की शुरुआत कौन से काल से है? तो आप क्या कहेंगे? उच्च पूरा पाषाण काल। इसके अलावा 1600 पेंटिंग हमें भीम बेटका से मिली हुई है इस बारे में, ठीक है। तो ये चीजें उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने अभी बता दी, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अब क्या है कि मनुष्य का अग्रसर जो है, मनुष्य अभी वो होमोसेपियंस हो गया है, वो पूजा पाठ कर रहा है। इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, और जब बौद्धिक विकास होता है तो वो क्या करेगा, अब इसके बाद टेंडेंसी उसकी बदलेगी। आगे टेंडेंसी क्या होगी उसे हम बात करेंगे मिजोलिथिक एज, यानी मध्य पूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं मिजोलिथिक एज के बारे में। मिजोलिथिक एज जिसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि 10,000 से लेकर के जो 6,000 है ना, उसके बीच का जो काल रहा वो मिजोलिथिक एज काल रहा। वैसे कई सारे इतिहासकारों का अलग अलग मानना है कि इसके काल में हमेशा ही आपको कहीं ना कहीं वैलिडेशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप इन चीजों पर ज्यादा वो गौर नहीं करेंगे, आप ये समझिए कि इसके रिमेंस हमें कहां से मिले, इसके साक्ष्य हमें कहां से मिले। देखिए, एक जगह है आजमगढ़ यूपी में पड़ता है, उसमें एक जगह है हुसैंगाबाद से हमें क्या मिलता है? हुसैंगाबाद से हमें यह पता चलता है कि पशुपालन का साक्ष्य मिलता है पहली बार। तो मिजोलिथिक एज में हमें यह पता चल रहा है कि और पशुपालन स्टार्ट हो चुका है। पशुपालन से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन ऐसा जानवर था जिसे मनुष्य ने पहली बार अपना पालतू जानवर बनाया? वो था डॉग, कुत्ता। इसके अलावा मनुष्यों ने डियर यानी हिरन,
ऑस्ट्रिच और डॉग तो था, इन सारे जानवरों को क्या किया, पाला, ठीक है। ये रिमेंस की बारे बात करते हैं। एक और जगह है बागूर, बागूर, ये बागूर जो है एमपी में है, और दूसरी एक और जगह है जिसे हम कहते हैं लानगंज, लानगंज जो है ना, ये लानगंज जो है ये हमारा पड़ता है गुजरात में, ठीक है। यहां से भी हमें मिजोलिथिक एज के बारे में कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, पहली चीज। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूं और फिर उसके बाद चीजों को बड़े अच्छे से सिस्टमेटिक वे में बता देता हूं। ये हमने रिमेंस की बात कर ली, अब क्या है कि मनुष्य की स्थिति कैसी थी। पहली चीज कि वो हंटर गैदर अभी भी था, हंटर गैदर अभी था, लेकिन एक नई चीज की पहल हुई, नई चीज ऐड हुई, वो ये था कि धनुष, धनुष और बाण का यूज होने लगा था। किस लिए? शिकार के लिए, है ना, शिकार के लिए धनुष और बाण का यूज करने लगा था। उसके अलावा भाला, गुल्ले, मीन सब फेंक के मारने वाले चीजों का ज्यादा यूज करते थे ना, फेंक के मारने वाले चीजों का यूज करना शुरू कर दिया था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एक लेवल अप, हंटिंग में एक लेवल अप हो गया, अपडेट वर्जन हो गया हंटर गैदर का। अब दूसरी चीज, हम पत्थरों की बात करते हैं ना, पहले लिथिक में देखा था कि क्वार्टजाइट पत्थरों जिनका जिनका आमतौर पे जिनका साइज था वो 10 से 20 सेंटीमीटर, अब उससे और छोटा पत्थर यूज होने लगा है जिसे कहते हैं माइक्रोलिथ, नाम दिया उन्होंने माइक्रोलिथ, था साइज कितना 5 सेंटीमीटर, बहुत ही छोटा पत्थरों का यूज करने लगा था। और इसमें क्या था, छोटे पत्थर तो होते थे पर वो धारदार होते थे, ब्लेड होते थे, और वो ऐसे होते थे कि जो ऐसे मारो तो वो क्या हो जाए, वो नुकीला नुकीला बनाते थे बहुत, ठीक है, छोटन में देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। तो ये चीजें हुई, है ना। अब देखिए जो तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊं वो ये था कि पहली बार मनुष्यों के अंदर ये चीज आई, एक टेंडेंसी आई कि भाई अब घर बसा लेते, ठीक है। तो पहली बार मेसोलिथिक एज से ही ये शुरुआत होती है, लोगों के जहन में ये बात आने लगी कि अब घर रहते हैं। तो क्या है कि आवास की संकल्पना यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि एक जगह है सराय नहर, सराय नहर, सराय नहर कहाँ है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ कहाँ है, ये यूपी में है, यहां से मैं हड्डी मिले हैं, मैंने लिखवाया था ऊपर कि हड्डियां भी कई ना कई स्रोत है, तो हड्डी हड्डी मिला है, और जिसका निर्धारण करने के बाद ये पता चलता है कि ये मध्य पाषाण काल की है, तो हड्डियों से भी हमें चीजें पता चल रही है। तो ये जब हमने मेसोलिथिक एज के बारे में जान लिया, तो लास्ट जो एज बच रहा है वो है न्यूलिथिक एज, और न्यूलिथिक एज में इंतजार की घंटियां खत्म हो गई है, मनुष्य अब घर बसाने जा रहा है। तो घर बसाने में आप हमारे साथ बने रहिए, आज हम इनका घर बसा ही देते हैं 6000 के बाद, ठीक है, 6000 के बाद जो भी काल आ रहा है वो न्यूलिथिक एज का है। इसके रिमेंस की अगर बात करें तो पहली बात आती है मेहरगढ़ की, मेहरगढ़ कहां है, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, यहां से हमें गेहूं जो के साक्ष मिले हैं 7000 BC पहले, ठीक है। उसके अलावा एक जगह है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहां आई है, अलाहाबाद में है, अलाहाबाद से हमें चावल के साक्ष मिलते हैं, है ना। एक जगह है पिकली हिल, पिकली हिल कहां है, ये कर्नाटक में है, सर पूरा हिंदी में लिखिए, कर्नाटक में है, यहां से हमें राख मिले हैं, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि देखें अगर मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाऊं तो पैलियोलिथिक में क्या था कि मनुष्य को आग के बारे में पता था पर उसे यूज नहीं पता था, इसको यूज कैसे करना है। मेसोलिथिक आते आते लोगों को आग के बारे में पता भी था और वो यूज भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कंट्रोल नहीं आया। न्यूलिथिक तक आते आते, न्यूलिथिक में आने के बाद जब राख का साक्ष्य मिलता है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मनुष्य को अब आग पे कंट्रोल करना आ गया है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। उसके अलावा बिहार में एक जगह है चिनान, ठीक है, बिहार में है ये, ठीक है। यहां से हमें हिरण के सींग मिले हैं, अब हिरण के सींग मिले हैं इससे ये बात का पुष्टि जरूर हो जाता है कि हाँ उस काल में हिरणों को पाला जा रहा था, जिसे हमने मेसोलिथिक एज में बताया कि शुतुरमुर्ग हिरण
कुत्ता, इन सारी चीजों को, इन तीनों का, तीनों को क्या किया जा रहा था, पाला जा रहा था, है ना। उसके अलावा एक और जगह है लहुना देव, लहुना देव, लहुना देव संत कबीर नगर भारत में ही है। यहां से हमें चावल, चावल के साक्ष्य मिले हैं 6000 BC पहले। तो तीन इंपॉर्टेंट जगह है, कोल्टी हवा, लहुना देव, मेहरगढ़। आपसे पूछा जाता है कि कोल्टी हवा से हमें क्या मिला है, या सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जहां से हमें यह पता चला है कि वो प्राचीनतम साक्ष्य जहां से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कोल्टी हवा कहां है, अल्लाहाबाद में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। ये मैंने बताया कि मेहरगढ़, कोल्टी हवा, पिकनी हिल, चिरांद और लहुना देव, ये जगह है, ये प्लेसेस है जहां से हमें नियोलिथिक एज के रिमेन्स मिले हैं। इसके अलावा कुछ और नई चीजें हुई, वो ये था कि मनुष्य हंटर गैदरर नहीं रहा, यहां से वो हंटर गैदरर नहीं आया, परिवार का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हो गया, लोगों ने परिवार करना शुरू किया, फाइनली हैप्पी मैरिड लाइफ हो गई, भाई साहब परिवार बस गए। अब दूसरी चीज, पहिया को भी यहीं इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये बहुत हॉट से साहब आपसे पूछा जाएगा कि पहिया जो है ये किस काल की देन है, आपसे आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा न्यूलिथिक एज। एक और चीज जो न्यूलिथिक एज में देखने को मिलती है, जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है ये चीज। जम्मू और कश्मीर में लोग क्या करते थे कि जमीन को खोदते थे और जमीन में ही सो जाते थे, है ना। तो उस जगह को, जैसे ये जमीन हुआ, जमीन को खोदा और यहां सो जाते थे, उसको उन्होंने नाम दिया बुरजहू, बुरजहू नाम दिया। इसमें क्या होता था कि जमीन के अंदर सो जाते थे, जब इनको मारा, जब ये मरते थे तो उनको इसी में दफना दिया जाता था। न्यूलिथिक की एक और अच्छी बात मैं बताता हूँ, अच्छी बात बताऊं या कुछ भी बताऊं, मनुष्यों के वो कहते हैं ना कि जब आप भगवान के प्रति आप बहुत ही ज्यादा श्रद्धावान हो जाते हैं तो आप अंधविश्वासी हो जाते हैं। मेसोलिथिक केस में आपने, सॉरी, पैलियोलिथिक के अपर पैलियोलिथिक केस में आपने देखा था कि मनुष्य ने देवी की पूजा करना शुरू कर दिया था, और यह कहीं ना कहीं यहां तक आते आते न्यूलिथिक केस में लोग अंधविश्वासी हो गए हैं। लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हम मर जाएंगे और हमारे साथ हमारे परिवार, हमारे फेवरेट चीज को हमारे साथ रखा जाएगा, तो आने वाले जीवन में हो सकता है कि वो हमारे साथ हो। इसलिए ऐसे कब्र भी निकली है न्यूलिथिक केस में जिसमें मनुष्य के साथ उसके कुत्ते को दफना दिया गया है, ठीक है, और उसके बहुमूल्य वस्तुओं को भी उसमें दफना दिया गया है। बुरजहू कुछ इस तरह से ही था। तो आज ये मैंने हमने बता दी न्यूलिथिक के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बुरजहू के बारे में बता दिया। बुरजहू में एक गड्ढा होता था, मानवीय गड्ढा, जिसमें मनुष्य रहता था और उसी में उसको दफन कर दिया जाता था। ये बातें हो गई, हमने आज बात की स्टोन एज के जितने भी एजेस हैं उनके भी बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपने मुझे झेल लिया होगा इतने देर तक, और